हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज होस्ट कलेक्ट संदीप। और आपने मेरी 490 वाली वीडियो देख ली होगी, जो RTX 490 का मैंने प्री बिल्ड किया था पहले भी। अगर नहीं देखी हो तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो में जाके जरूर देख लेना। तो आज मैं घर पे बिल्ड कर रहा हूँ, तो आज मैं घर पे बिल्ड करते हुए आपको दिखाता हूँ कि हम घर पे बिल्ड कैसे करते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा फैमिली का ही काम है। ये मेरे अंकल हैं यहाँ पे, तो अंकल मेरे 20 साल हो गए इन्हें काम करते हुए, तो मैं इनका नंबर कॉन्टैक्ट वगैरह दे दूंगा मैं जरूर ध्यान से। तो देख लीजिए, कंप्यूटर का पूरा सिस्टम पीछे रखा हुआ है हमारा, तो आज घर पे ही प्री बिल्ड कर रहे हैं। तो आज इसे ही मेरा सेटअप समझिए, क्योंकि मैं अंकल के घर पे आया हूँ, आज मैं अपने सेटअप पे नहीं हूँ। तो आज दिखाते हैं आपको कैसे बिल्ड होता है फ्रॉम स्क्रैच। मतलब अगर आपको प्री बिल्ड कंप्यूटर बिल्ड वगैरह नहीं आता है, तो वो भी आप सीख जाओगे आज इस वीडियो में। डेफिनेटली बहुत ईजी प्रोसेस है। आज अंकल दिखाएंगे, आज मैं नहीं दिखाऊंगा। तो कैमरे के पीछे अंकल होने वाले हैं, मैं आऊँगा कैमरे के आगे अंकल होने वाले हैं, मैं आऊँगा कैमरे के पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्री बिल्ड। ये i3 पे, सॉरी प्री बिल्ड कह रहा हूँ, गेमिंग नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, नॉर्मल है। ये मैंने i3 ले रखा है, आप देख पा रहे हो तो i3 है। तो चलिए i3 13th generation ले रखा है इसमें, और LG का ये 22 इंचेस का मॉनिटर है, मतलब ठीक ठाक है, ओके है। आपकी गेमिंग वगैरह हो जाएगी, GTA 5 चल जाएगा डेफिनेटली। और आपका कौन सा है वो, अरे यार खेलते रहते हैं मुझे PUBG, हाँ PUBG ज़रूर चल जाएगा। एक तो दिमाग से बहुत ज़्यादा स्वाइप होता है तो भूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना गेमिंग। क्लाइंट का PC बिल्ड करते हुए घर पे हमने सबसे पहले गीगाबाइट का मदरबोर्ड ले लिया है, B760 सीरीज का, और i3 प्रोसेसर ले लिया है। G-Skill की रैम वगैरह ले ली है हमने, जो कि DDR5 रैम है। WD की SSD ले ली है, WD की हमने 1 TB की हार्ड डिस्क ले ली है। और ये हमने कीबोर्ड ले लिया है Logitech का, और इसके पीछे की कहानी मैं बताऊँगा। आगे हमारे साथ फ्रॉड हुआ था नेहरू प्लेस में, और ये हमने मदरबोर्ड ले लिया है। तो उस कहानी को सुनने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना, बीच में बताऊँगा या लास्ट में बता दूँगा, लेकिन उस कहानी को मैं बताऊँगा कि नेहरू प्लेस फ्रॉड कैसे होता है। तो सबसे पहले अपने ये जो प्रोसेसर है, CPU बोलते हैं इसे, तो प्रोसेसर को अनबॉक्स कर लेंगे। और इसमें हमें काफ़ी अच्छा फ़ैन वगैरह मिल जाता है इस बार, मतलब इंटेल ने तो कमाल ही कर दिया है, काफ़ी अच्छा फ़ैन दे रखा है। मतलब बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी कॉपर वगैरह की, मतलब काफ़ी अच्छी लगी, और थर्मल पेस्ट प्री इंस्टॉल इसमें आता ही है। तो इसमें प्रोसेसर वगैरह निकाल के हम बताएंगे कि आपको इसमें कि आपको प्रोसेसर कैसे इंस्टॉल करना है। मतलब हम जब भी अपना कोई घर पे प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर कह रहा हूँ, जब भी बिल्ड करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमें जब भी बिल्ड करें कोई भी हार्ड सरफेस ना लें, कोई सॉफ्ट सरफेस लेना चाहिए। फ़िलहाल तो मैंने सॉफ्ट सरफेस के नाम पे ये अपना LCD का बॉक्स ले रखा है, LCD के बॉक्स के ऊपर ही रख के अपना बिल्ड कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम इसका ढक्कन हटा लेंगे। अगर आप ढक्कन नहीं हटाना चाहते प्रोसेसर सॉकेट का, तो कोई बात नहीं, आप प्रोसेसर रख के इस पिन को अटैच करोगे तो डेफ़िनेटली वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें प्रोसेसर रखने से पहले हमें इसके एरो चेक करने चाहिए। देखिए, ये हमने प्रोसेसर ले लिया है i3, हमने 13 जनरेशन का प्रोसेसर लिया है। ये तकरीबन मुझे 12 के करीब का पड़ा है, 12,000 रुपये के करीब का पड़ा है 13 जनरेशन का, जो कि 1310 करके प्रोसेसर है। इसमें ग्राफिक वगैरह इंस्टॉल होते हैं पहले से ही। एक F-सीरीज़ का मदरबोर्ड, सॉरी प्रोसेसर आता है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता आपको, विदाउट F-सीरीज़ वाले लेने चाहिए, जो कि नॉर्मल प्रोसेसर होते हैं। तो प्रोसेसर इंस्टॉल करने से पहले हमें ना इसमें कट देखने चाहिए इसके। देखिए, प्रोसेसर के सॉकेट जो होते हैं इसमें कट होते हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूँ फिंगर से, तो इसके अंदर सॉकेट के अंदर कट्स होते हैं। तो इन कट को अपने प्रोसेसर से मैच करेंगे और आराम से अपना प्रोसेसर रख देंगे। कोई मतलब मैंने एरो वगैरह लगा के दिखा दिया है, कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है, सीधी सी है। देखिए ये कट दिख रहे हैं, कट से अपना प्रोसेसर मैच किया, प्रोसेसर आराम से रख दिया, कोई मतलब ताम झोल नहीं करना है इसमें हैं। ढक्कन लगाया और ऊपर से अपनी पिन खींच के लॉक कर दी, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेसर है, कोई मतलब कोई ज़्यादा हार्ड प्रोसेस है नहीं इसमें, तो काफ़ी इजीली आप इसे कर सकते हो। तो चलिए अब अपना फ़ैन इंस्टॉल करते हैं। फ़ैन इंस्टॉल करने के लिए हमें थर्मल पेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही इसमें प्री इंस्टॉल थर्मल पेस्ट आता है। तो मेरी इंटेल से बस यही कंप्लेंट है कि उन्हें बॉक्स वगैरह है थोड़ा, मतलब काफ़ी इंप्रूव करना चाहिए। आजकल 1500-1600 रुपये के जो एयरबड्स होते हैं उनके बॉक्स भी काफ़ी हार्ड आते हैं, ये इतना हल्का बॉक्स दे देते हैं। अगर ये ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह होती है तो पता नहीं किस टाइप की कंडीशन में आपको मिलेंगे। तो फ़ैन लगाने के लिए अपने ये जो सॉकेट होते हैं उन्हें हल्का सा प्रेस करना होता है, बस कुछ भी नहीं करना होता है। ये जो सॉकेट मैं दिखा रहा हूँ इसमें ये 4 सॉकेट होते हैं चारों तरफ, ये रॉकेट टाइप के जो हिलते रहते हैं, बस इन्हें हल्का सा प्रेस करना होता है आपको। इन्हें हल्का सा प्रेस करते ही आपका ये फ़ैन इंस्टॉल हो जाएगा। देख लीजिए, मैं फ़ैन के सहारे ही पूरा मदरबोर्ड उठा लिया है, तो देख लीजिए ये पीछे निकल के आ चुके हैं मदरबोर्ड के जो एरो से हैं इनके, ठीक है। अब फ़ैन का वायर कनेक्ट कर लेंगे हम अपना। तो फ़ैन वगैरह का वायर कनेक्ट करने के लिए पहले का वायर थोड़ा लंबा था, तो मैंने थोड़ा इसमें
अच्छे से थोड़ा लॉक कर लिया है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए कि आप मतलब इस वीडियो को देखते हुए आपको समझ तो आ जाएगा कि आपको घर पे अपना कंप्यूटर बिल्ड कैसे करना है और कैसे हार्डवेयर सेट करना है अपना। अभी मैं हार्डवेयर का बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर का भी बताऊँगा। ये मैंने जीस्किल की रैम ले ली है, इसकी वारंटी वगैरह इंटेल से मिल जाती है आपको, तो काफ़ी अच्छी रैम है ये, DDR5 रैम है और काफ़ी अच्छा प्रोसेस करती है। तो जी स्किल तो आप सभी को पता ही है, काफ़ी अच्छी रैम होती है जी स्किल्स वगैरह की, और इंटेल इसकी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले DDR5 रैम हमने ले ली है, और DDR5 रैम DDR4 और DDR3 से अलग होती है। उसका जो सॉकेट का कनेक्टर होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो रैम हमने लेने से पहले अपने सॉकेट के कनेक्टर को ध्यान से देख लेना है और उसके जो लॉक होते हैं उन्हें खोल लेना है। और ये रैम मैं आपको दिखा देता हूँ, रैम में एक बीच में कट होता है, उस कट को अपने जो रैम का स्लोट होता है मदरबोर्ड में उससे मैच करके लगाना होता है, ठीक है। तो DDR5 रैम का कनेक्टर का जो सॉकेट होता है वो अलग होता है, और DDR4 का भी अलग होता है, DDR3 का भी अलग होता है। तो ये तीनों रैम एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं, इनका स्लोट भी अलग होते हैं। तो अपनी रैम को इस स्लोट के अंदर रखना है, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्लोट में ही अपनी रैम रखनी है, सेकंड स्लोट में ना रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फर्स्ट स्लोट में अपनी रैम रखनी है और ऊपर से इसे प्रेस करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ऊपर से हम प्रेस करेंगे और एक टिक की आवाज़ आएगी। देखिए प्रेस करा और टिक की आवाज़ आते ही आपकी रैम इंस्टॉल है। काफ़ी ईजी प्रोसेसर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है, तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है रैम इंस्टॉल करने का। और इसमें आपको किसी इंजीनियर वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेटली काफ़ी इजी प्रोसेस है रैम इंस्टॉल करने का या प्रोसेस इंस्टॉल करने का। ये एक पज़ल की तरह है, देखिए आप पज़ल वगैरह आपने बचपन में बनाए होंगे तो वही कंडीशन आज हमें अप्लाई करनी है। तो मदरबोर्ड में एक स्पेसिफिक साइज़ होता है हर एक चीज़ का, चाहे वायर हो, प्रोसेस हो, रैम हो, या कोई भी सॉकेट कनेक्ट करना हो, उसका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है और इसे पज़ल की तरह हमें सॉल्व करना होता है। तो ये हमने DDR5 की रैम बड़े इजीली इंस्टॉल कर ली है, और साथ ही साथ हमने ये अपने WD की SSD ले ली है। ये 250 GB की SSD हमें इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि क्लाइंट का बजट बहुत ज़्यादा कम था, तो ये हमें 2100 रुपये के करीब की पड़ गई थी, और 500 GB अगर आप लेते हो तो वो 2700 रुपये की पड़ती है। तो बहुत ही टाइट बजट होते हुए फिर भी हमने बहुत बेहतरीन PC बनाने की कोशिश की है। हालांकि 95,000 रुपये में दो बन पाए हैं, कम्प्लीटली सेट लिया है हमने, और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बेकार सामान लिया है, बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी का सामान हमने ले रखा है। IPS डिस्प्ले वगैरह लिए है इसमें, और जो कि हमने कीबोर्ड माउस वगैरह लिए थे वो भी काफ़ी महंगे हैं, 3500 रुपये का कीबोर्ड माउस एक सेट पड़ा है हमें, और तकरीबन दोनों सेट लगाएं तो 7000 रुपये के पड़ते हैं कीबोर्ड माउस के। उनका मैं आगे बताऊँगा आपको क्या फ्रॉड हुआ है हमारे साथ नेहरू प्लेस के अंदर। तो रैम भी हमने SSD भी हमने इंस्टॉल कर लिया, रैम तो इंस्टॉल कर ही लिया है, SSD भी हमने इंस्टॉल कर लिया। तो SSD इंस्टॉल करने के लिए SSD का जो स्लोट होता है उसे पज़ल की तरह एक कट होता है उसमें लगाना होता है। देखिए एक हल्का सा नीचे कट दिख रहा होगा आपको, उसी में आपको अपनी SSD इंस्टॉल करनी होती है, और पीछे से एक स्क्रू कसना होता है, कुछ नहीं है, बस इजी प्रोसेस है। एक जानने वाली बात यह है कि मैं जितना भी आपको प्राइस बता रहा हूँ वो मैं एक राउंड फिगर में बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, तो प्राइस एक्चुअली मुझे प्रॉपरली भी ध्यान नहीं रहते कि प्राइस क्या था इस चीज़ का। तो काफ़ी सारा सामान लिया है तो प्राइस ध्यान नहीं रहता है, तो शायद मैंने आपको ऊपर नीचे प्राइस बता दी हो तो उसके लिए थोड़ा देख लेना यार, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि प्राइस राउंड फिगर में है, 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अपना फोकस करते हैं अपनी वीडियो पर। तो ये हमने अपना कैबिनेट के अंदर IO शील्ड लगा लिया है, ये IO शील्ड अपनी मदरबोर्ड के साथ ही आ जाती है। कैबिनेट हालांकि हमने आईबॉल का लिया है, और इसके अंदर हमने आईबॉल का कैबिनेट इसलिए लिया है क्योंकि हमारा बजट कम था। तो कैबिनेट के खास बात यह है कि इसके अंदर प्रिंस शोल आपको पावर सप्लाई मिल जाती है 400 वाट की, ये 2000 रुपये का कैबिनेट हमें मिला है। तो काफ़ी अच्छा कैबिनेट है, मतलब ठीक ठाक कैबिनेट है, अगर ऑफिस के हिसाब से देखें तो बजट कैटेगरी में तो काफ़ी ठीक ठाक कैबिनेट आपको मिल जाता है। हालांकि मदरबोर्ड के हिसाब से थोड़ा छोटा कैबिनेट है। आपको कैबिनेट हमेशा ऐसा लेना चाहिए जिसके अंदर आपका हाथ चल जाए, आपके वायर वगैरह कनेक्ट हो जाए। तो इसमें हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट प्रोसेस था इसके अंदर मदरबोर्ड को सेट करना। ये स्क्रूज़ वगैरह अपने कैबिनेट के साथ मिल ही जाते हैं, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर कि कितनी मुश्किल से हमने इसके अंदर मदरबोर्ड सेट किया है। मतलब काफ़ी हार्ड पड़ा इसके अंदर मदरबोर्ड सेट करना, लेकिन यार 2000 रुपये के अंदर पावर सप्लाई के साथ ये कैबिनेट मिल रहा था, तो मतलब बजट को देखते हुए क्या कर सकते हैं यार, काफ़ी टाइट बजट था। इसमें अपना मार्जिन भी निकालना था, कस्टमर जानने वाला था और काफ़ी सालों से अच्छा रिलेशन रहा है कस्टमर के साथ, तो
थोड़ा बहुत तो यार मार्जिन लगता है यार, आपको सभी को पता है कि यार दिल्ली में बारिश चल रही है, इसलिए आज हम घर पे अपना सेटअप कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि नेहरू प्लेस से सामान, इतना सारा सामान लाना और उसे घर पे बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। मतलब यार दो जने इतना सारा सामान ले आए, ऊपर से फ्रॉड का भी ध्यान रखना है कि कहीं बॉक्स खुला ना हो, या मतलब कोई सामान इसमें चेंज ना किया हो, या सेकंड हैंड सामान हमें ना पकड़ा दे दुकान वाला। देखिए नेहरू प्लेस के लोगों की आदत तो बिल्कुल भी सुधरेगी नहीं, चाहे कितने भी जानने वाले हों, वो आपका काट ही देंगे, क्योंकि यार घोड़ा घास से कभी यारी नहीं कर सकता। तो हमें अपने सामान का खुद ही ध्यान रखना होता है, वो लाइन लिखी होती है ना ट्रेनों में, यात्री अपने सामान का खुद ही जिम्मेदार है, सारे सॉन्ग भी है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितना भी हम सामान नेहरू प्लेस से लें तो उस सामान को सही से जांच लें, परख लें, उसकी सील वगैरह ध्यान से देख लें, बॉक्स ओपन ना हो। तो हमारे कीबोर्ड के साथ ऐसा हो चुका है, तो चलिए वायर वगैरह कनेक्ट करते हैं, उस कीबोर्ड की बाद में बात करेंगे। तो ये 24 पिन कनेक्टर हमने ले लिया है, ATX कनेक्टर, तो इसे मदरबोर्ड में इंस्टॉल करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक पजल सिस्टम है, तो 24 पिन का जो कनेक्टर कनेक्ट करने से पहले हमें उसका देखना है कि उसका साइज़ सेट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आप मदरबोर्ड के साथ पिन को ज़बरदस्ती कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आप अपने मदरबोर्ड को डैमेज कर लोगे और आप अपना नुकसान कर लोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी अपना ये पिन कनेक्टर कनेक्ट करें तो थोड़ा मतलब हार्डली प्रेस होगा तो मदरबोर्ड पे हल्का सा पीछे एक हाथ लगा लेना और ऊपर से स्लाइड करते हुए लेके आना और ज़ोर से दबाना और टिक की आवाज़ आएगी, वही टिक की अपनी फेमस आवाज़ होती है, तो टिक की आवाज़ आएगी और एक जो हमारा ये कनेक्टर है वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके साथ ही हम ये अपना जो मदरबोर्ड का दूसरा कनेक्टर है 4-पिन कनेक्टर, उसे भी कनेक्ट कर लेंगे। ये हमेशा ऊपर की साइड होता है, तो 4-पिन कनेक्टर को कनेक्ट करने के लिए ऊपर से ही कनेक्ट करेंगे। इसका भी साइज़ एक स्पेसिफिक साइज़ होता है पजल टाइप का, इसे भी ऊपर से कनेक्ट लाएंगे धक्का लगाते हुए, मतलब धक्का क्या है यार, मतलब ऊपर से हल्का सा प्रेस करते हुए और टिक की आवाज़ आएगी, ये भी कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हमारे जितने भी कनेक्टर बचे हैं, पावर का हुआ, LED का हुआ, हार्ड डिस्क का हुआ, तो उसे भी कनेक्ट कर लेंगे। तो नीचे की तरफ जितने भी हमारे कनेक्टर होते हैं पावर वगैरह के होते हैं, ठीक है, उससे पहले अपना फ़ैन वगैरह कनेक्ट कर लेंगे और हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर लेंगे। हार्ड डिस्क के वायर वगैरह मैं लास्ट में करूँगा, क्योंकि इससे पहले मैं अपनी विंडो इंस्टॉल करूँगा। ये WD की ब्लू हार्ड डिस्क मैंने ली है और इसे इंस्टॉल करना काफ़ी हार्ड प्रोसेस पड़ गया, क्योंकि छोटा कैबिनेट था तो काफ़ी हार्ड प्रोसेस पड़ा हमें इसे इंस्टॉल करना। ये ऊपर की तरफ नहीं आ रही थी तो हमें साइड में लगानी पड़ी। तो मैं आपको देख लीजिए यार, छोटा कैबिनेट लेते हैं तो कितनी मुसीबत फेस करनी पड़ती है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा बड़ा कैबिनेट लेना यार, ये मेरी सजेशन नहीं थी छोटा कैबिनेट लेने की, ये मेरे अंकल ले आए, क्या कर सकते हैं यार, मानते ही हैं, अब सुननी भी उन्हीं की पड़ती है, वो बड़े हैं, क्या कर सकते हैं यार, बड़ों के आगे चलती भी नहीं है। लेकिन यार हार्ड डिस्क कुछ इस टाइप से इंस्टॉल करना मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। तो अपने वायर वगैरह कनेक्ट करने के लिए मुझे मदरबोर्ड को दोबारा निकालना पड़ा है यार, छोटा कैबिनेट था, डेफिनेटली यार दिमाग ख़राब कर दिया इस कैबिनेट ने। लेकिन यार क्या कर सकते हैं, बजट के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो इस कैबिनेट में से मदरबोर्ड हमने बाहर निकाला, फिर हमने वायर वगैरह इंस्टॉल किए, यहीं कहीं वीडियो में लगा के दिखा दूंगा, मैं फ़ोटो वगैरह लगा दूंगा उसके साथ, एरो वगैरह लगा के दिखा दूंगा आपको किस किस टाइप से क्या क्या वायर कनेक्ट करने हैं। तो पिंस वगैरह मैच करते चलना, और मदरबोर्ड में नीचे की तरफ वाले जो कनेक्टर होते हैं उनके नीचे साफ साफ लिखा रहता है USB कनेक्टर, ऑडियो कनेक्टर, पावर कनेक्टर, LED कनेक्टर, हार्ड डिस्क कनेक्टर, और साथ ही साथ उन वायर्स पे भी लिखा रहता है USB कनेक्टर, ऑडियो कनेक्टर, पावर कनेक्टर, और रीसेट पे रीसेट लिखा होता है, हार्ड डिस्क पे HDD लिखा होता है, और LED पे LED लिखा रहता है। तो वायर वगैरह मैंने कनेक्ट कर लिए थे, तो आप मैच करके ध्यान से उन्हें लगा लेना, नीचे वाले वायर्स को किस टाइप से कनेक्ट करना है। सेकंड वीडियो में मैं आपको दिखाई दूंगा, डेफिनेटली सेकंड भी अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो को एक बार देखना, दो बार देखना, 10 बार देखना, 50 बार देखना, आप जरूर सीख जाओगे। तो ये मैंने Logitech का अपना कीबोर्ड अनबॉक्स कर लिया था, और बॉक्स से निकालते हुए पता चला ये बॉक्स पहले से ही ओपन था, शायद शॉप वाले ने इसे पहले यूज़ किया हो। तो मैंने PC ऑन कर लिया है, और PC ऑन करके अपना पोस्ट वगैरह कर लिया था, और पोस्ट करके हमने स्क्रीन पे आए थे और BIOS वगैरह की सेटिंग पे चले गए थे, और BIOS की सेटिंग पे जाने के लिए हमें F12 दबाना पड़ा था, और विंडो इंस्टॉल करने के लिए विंडो 10 प्रो इंस्टॉल की है मैंने, इसमें विंडो 11 भी इंस्टॉल करनी थी, इसके बाद मैंने विंडो 11 इंस्टॉल कर ली क्योंकि कस्टमर का फ़ोन आया था कि उन्हें विंडो 11 चाहिए, तो विंडो 11 हमने इंस्टॉल कर लिया। और कीबोर्ड माउस ये हमें यूज़ कंडीशन में मिले थे, थोड़े बहुत यूज़ हुए थे, ज़्यादा यूज़ नहीं किए, शायद शॉप वाले ने यूज़ किए हों अपने पर्सनल यूज़ में। तो देख लीजिए आप, मैं कीबोर्ड में F12 दबा रहा हूँ विंडो इंस्टॉल करने के लिए,
तो विंडो इंस्टॉल करने के लिए मैंने पेनड्राइव को पहले से ही बूट कर रखा था और F12 दबाकर मैं बूटेबल डिवाइस पे चला गया और BIOS वगैरह की सेटिंग अपनी सेट कर ली थी पहले से ही। अगर आपको BIOS की सेटिंग सीखनी है तो आप मुझे बता देना, और पेनड्राइव कैसे बूट होती है वो सीखनी हो तो मुझे भी बता देना। अगर विंडो इंस्टॉलेशन सीखना चाहते हो वो भी बता देना, अगर आप यूट्यूब पर जाके किसी और की वीडियो देखोगे तो वो भी सिखा देंगे डेफिनेटली। मैं कोई ऐसा कोई महान इंसान तो हुआ नहीं जो आपको स्पेशल सिखाऊंगा, तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको भी सिखा दूंगा। तो विंडो 10 प्रो मैंने इसमें इंस्टॉल कर ली थी, लेकिन कस्टमर का फ़ोन आया कि उन्हें विंडो 11 चाहिए, तो यार विंडो 11 भी मैंने इसमें इंस्टॉल करनी पड़ी दोबारा से। और यार दिमाग ख़राब हो गया विंडो 11 के चक्कर में, यार उसमें ID डालो और पता नहीं क्या क्या डालो, यार ID डालो, उसे वाईफाई से कनेक्ट करो और पासवर्ड वगैरह क्रिएट करो, यार पता नहीं यार दिमाग ख़राब कर दिया विंडो 11 ने, सही बात बता रहा हूँ। विंडो 10 का जो प्रोसेस है इंस्टॉल करने का वो 5-7 मिनट के अंदर हमारी इंस्टॉल हो गई थी, और विंडो 10 प्रो काफ़ी अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो जाती है, और 11 ने इतना दिमाग ख़राब कर लिया, कम से कम 1 घंटा खा लिया भाई। उसे ID दो, पासवर्ड दो, मतलब एक जीमेल ID क्रिएट करो, मतलब अगर आपके पास पहले से विंडो की ID है माइक्रोसॉफ्ट की तो आपके लिए ईजी प्रोसेस है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो ये यार आपका दिमाग खा सकती है डेफिनेटली। तो देख लीजिए मेरा अपना PC ऑन हो चुका है, और ये मॉनिटर हमने अपना मतलब जो पोस्टिंग वाला मॉनिटर है वो ले रखा है, क्योंकि कस्टमर को सील पैक कंडीशन में उनका मॉनिटर प्रोवाइड करना था तो वो हमने ओपन नहीं किया, बाकी सामान हमने अपना असेंबल वगैरह कर लिया था। तो कंप्यूटर हमारा ऑन हो चुका है और ये एक बार ऑन हो रहा है, और इसकी सेटिंग वगैरह हम कर लेते हैं डेफिनेटली, सेटिंग वगैरह हम इजीली कर लेंगे। तो इसके मैं अपनी स्क्रीन पे जाके दिखा देता हूँ इसकी सेटिंग वगैरह में या प्रॉपर्टी वगैरह में। तो देख लीजिए i3 हमने 13 जनरेशन का ले रखा है, 16 GB की इसमें रैम लगा रखी है, और 13 जनरेशन मैंने एफ सीरीज़ का नहीं लिया है, और मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एफ सीरीज़ के साथ जाना, बाकी अगर आपका बजट है तो आप देख लेना। लेकिन i3 13 जनरेशन आप ग्राफिक वाला लेना, जो UHD ग्राफिक आते हैं इंटेल की तरफ से, वो वाला प्रोसेस आपको लेना है, एफ सीरीज़ का मत लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मैं आपको सिस्टम वगैरह दिखा देता हूँ ऑन ऑफ करके, देख लीजिए ये कम्प्लीटली पोस्ट हो चुका है, मतलब सेट हो चुका है, अपना सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके हमने कस्टमर को प्रोवाइड कर दिए थे जितने भी ऑफिस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर थे उनके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह हुआ, जितने भी सॉफ्टवेयर थे, 1-2 गेम भी डाल के दे दिए थे हमने। तो गाइस देख लीजिए आज के लिए वीडियो में इतना ही, सेटअप हमारा हो चुका है, और कम्प्लीटली घर के अंदर बिल्ड कैसे करना होता है वो भी मैंने आपको सिखा दिया है कि होम बिल्ड कैसे करते हैं। तो ये मैंने घर पे बिल्ड किया था बारिश के अंदर, और इसका प्रॉपर्टी वगैरह मैंने आपको शो कर ही दी है, 16 GB की रैम है, और मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज योर स्कलर्स, बाय।